हेलो जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम कर रही हूँ। और आप सब देख रहे होंगे कि आज भी मैंने साड़ी पहनी है। और पिछले बहुत दिन से मैं ऐसे ही सज संवर कर रहती हूँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया है। और अभी मैं जा रही हूँ, फ़िलहाल की बात करें तो नैनी को स्कूल से लाने के लिए स्कूल बस में गई थी आज वो, तो अभी उसकी बस आने वाली है। तो बस यहाँ पर मैं पहुँच गई थी कम से कम 15 से 20 मिनट पहले, क्योंकि मुझे ये टेंशन रहती है कि कहीं वो खड़ी ना हो जाए रोड पे, मतलब या फिर रोड क्रॉस करते टाइम उसको कोई दिक्कत ना हो, ये सोच करके मैं पहले आ गई थी। और शर्मा जी आज थे नहीं, पिछले 24 घंटे से वो घर में नहीं थे, तो उस कारण से थोड़ा सा ये भी था कि उसको, जैसे अभी वो आए थे तो वो सोए थे, तो थोड़ा सा ये भी था कि डबल जिम्मेदारी बन जाती है ना। जैसे शर्मा जी घर पे होते हैं तो थोड़ा बहुत लेट अगर ये जाते हैं ना तो भी कोई टेंशन नहीं होती। और मेरी जीभ कट गई आप लोगों से बात करते करते, अभी वॉइस देते समय क्या पता कौन मेरी चुगली कर रहा था। और अभी मेरे, पता है मैं सो के उठ के आई हूँ, तो यहाँ पे बैठे बैठे भी मुझे ऐसे लग रहा था कि हे भगवान थोड़ा सा और सो लेती। गर्मियों की नींद कितनी खतरनाक वाली होती है ना, मतलब कि गर्मियों में इतनी अच्छी वाली नींद आती है कि बस उठने का मन ही नहीं करता। तो अभी मैं वापस आने के बाद में मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखो दोनों बाप बेटे सोए हुए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, दोनों ही इस तरीके से सोए एकदम मासूमियत से। और अभी मुझे उतारने हैं कपड़े, तो ये कपड़े जो कि मैंने सुबह सुखाए थे ना, ये उतार रही हूँ। और आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ कि कपड़े मैंने सुबह 5 बजे मैं उठ गई थी। रोज़ मेरा आजकल का यही हो रहा है, जब से मैंने अपने आप को थोड़ा सा वो किया है ना कि चेंज किया है, तो अपने अंदर ना एक एनर्जी सी महसूस करती हूँ। मुझे ये लगता रहता है कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें अपने आप को मोटिवेट करना, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट महसूस कर रही हूँ। तो सुबह 5 बजे मेरी आँख खुल जाती है, फटाफट से पानी चलाती हूँ, पानी भी आ रहा है आजकल, सुबह 5 बजे ही आता है। और सबसे बड़ी बात बताऊँ आपको, मोहल्ले में ज़्यादातर लोगों के यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, लेकिन मेरे यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ करके और काफ़ी देर मशक्क़त कर लेती हूँ। तो उसी चीज़ को लेकर के फिर मैंने कपड़े भी मशीन में सुबह पहले डाल दिए थे, उठते ही इधर पानी आया, उधर मशीन चलाई, पानी में कपड़े फटाफट धुले 5 बजे ही, मतलब 6 साढ़े 6 बजे मैंने सुखा दिए थे। बस हम लोगों ने जो पहने थे ना वो बचे थे, तो वो मैंने राउंड जो है ना वो लास्ट में डाला था। और उसी का आप लोगों का मेरी करतूत देखोगे आगे कि मेरे साथ मैंने क्या किया। तो ये देखो उसी की करतूत मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने मतलब हम लोगों के नहाने के बाद जो कपड़े डाले थे ना वो मैं मशीन में ही भूल गई हूँ, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने मशीन में कपड़े भी छोड़ रखे हैं। और लास्ट में मैंने पर्दे भी धोए थे, तो वो भी मशीन में है। कौन कौन ऐसे काम कर देता है बताना कॉमेंट बॉक्स में। मेरे साथ तो ये होता है, लास्ट जो राउंड होता है ना वो मैं ड्रायर करने के लिए छोड़ती हूँ, फिर कुछ काम करने लग जाती हूँ और फिर वो उसी में रह जाता है। और आज तो मैंने इसमें भी थे, स्पिनर में भी थे कपड़े, स्पिनर में नहीं मतलब इसमें वॉशर में भी थे कपड़े, तो ये सारे मैं भूल गई थी। अब अंदर जाके कुछ और काम करने लग गई, फिर माइंड से निकल गया, कपड़े सूखते हुए दिख रहे थे तो दिमाग में था ही नहीं कि कपड़े नहीं धुले हैं। और शाम के 4 साढ़े 4 बजे के लगभग फिर मैंने ये सारे कपड़े ड्राई किए हैं। और फिर मैंने, इससे बड़ी एक और बात मैं आपको बताऊं, एक बार इंसान से गलती हो जाए लेकिन बार बार वो करता है ना तो फिर उसको बेवकूफ़ कहा जाता है, तो वो बेवकूफ़ मैं हूँ। मैंने यहाँ पर ये कपड़े इस टाइम पे निकाले हैं, ड्रायर में डाले हैं, और ड्रायर में डालने के बाद में मैं एक बार फिर से भूल गई, वो आप वीडियो में देखेंगे आगे किस तरीके से क्या हुआ है। और साड़ी पहन रखी थी ना तो थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, काफ़ी देर से मैंने सोचा भी कि इसको चेंज कर लूँ, लेकिन फिर वही बात है कि आदत डालनी है मुझे हमेशा साड़ी पहनने की, एक औरतों के जैसे रहना मुझे सीखना है, औरतें किस तरीके से रहती हैं साड़ी वाड़ी पहन के सज धज के, और मैं कैसे रहती हूँ आप लोगों ने देखा ही है, जो भी सामने आया वो कपड़ा पहन लिया, कभी मन किया तो थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया, नहीं मन किया तो ऐसे ही बस उठा के मुँह चली आती हूँ कैमरे पर पागलों के जैसे। और फिर लोग कमेंट करते हैं नेगेटिव, तो उनको बोलने का मौका दे देती हूँ। तो यहाँ पर बस इसी सोच को सोचते हुए फिर मैंने साड़ी चेंज नहीं की। और ये देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी का क्या नाटक लगा रखा है आज, तो अब मुझे याद आया है दिन छिपने के बाद में कि कपड़े मैंने ड्राई किए थे वो मैंने डाले नहीं, मतलब कितना भुलक्कड़ हो गई हूँ। आप खुद सोच के देखिए कि ये लास्ट वाला राउंड जो कपड़ों का था, इसने बेचारे ने पूरे दिन इसी के अंदर गुजार दिया, पूरा दिन इसी के अंदर मशीन के अंदर गुजार दिया, रात के समय में कितना अंधेरा हो गया है। तब जाके मुझे अगला याद आया कि मुझे अब ये वाले भी सुखाने हैं, तो मैं इनको सुखाने के लिए आई। और मैंने साड़ी चेंज की थी थोड़ी देर पहले ही, मतलब मैंने ये सूट डाल लिया था क्योंकि अब रात को किचन में काम करूँगी तो मेरी नई नई साड़ी ख़राब ना हो जाए, मुझे ये भी डर लग रहा था, तो ये सोच करके मैंने सूट चेंज किया। और बाल भी काफ़ी बड़े हो गए ना मेरे, मैं कटवाने जा रही थी लेकिन फिर सोचती हूँ कि गर्मियाँ आ रही हैं तो अभी कटवाने का कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़े दिन और रख लेते हैं, क्या पता थोड़े से बड़े हो ही जाएँ। और वो रतन जोत का जो मैंने तेल बनाया था ना 2-3 दिन पहले,
तो वो मैं ट्राई करूँगी, उससे बाल बढ़ते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। तो मम्मी ने मेरे को बोला था तुझे बाल बढ़ाने हैं तो तेरे में और नैनी के बालों में वो तेल लगाया कर, तुझे काफ़ी अंतर महसूस होगा, काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो जी लास्ट में फाइनली मेरे कपड़े बेचारे, इनकी किस्मत जागी और ये सूख गए हैं। पूरा दिन बेचारों ने खूब ज़्यादा मेहनत की है मशीन में पड़े पड़े, और ये जो उतारे थे इनको भी नीचे लेकर जाती हूँ। यूट्यूब के साथ में ऐसा ही होता है, मतलब कपड़े जो हैं उनका हर काम का एक अलग जो टाइम होता है ना, वो अपने आप देर धीरे धीरे लेट होता ही जाता है। दूसरे काम करने बैठ जाते हैं तो पहला वाला दिमाग से निकल जाता है, और यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पर मैं जो कपड़े रात को उतार कर लाई थी ना, उनको फोल्ड कर रही हूँ। आज तो पूरा व्लॉग कपड़े पर ही फिनिश करने वाली हूँ क्या? नहीं, आज मैं आगे भी व्लॉग में बहुत कुछ है, आप लोग रुके रहिएगा। तो यहाँ पर सारे कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, और आज मैंने सुबह सुबह ही सोच लिया था कि मुझे आज स्टिचिंग करनी है, और यही सोच के मैं आज सुबह जल्दी उठ गई थी। तो और दिनों से भी जल्दी उठी थी आज मैं, 4:30 बजे मेरी आँख खुली, मैं उसी टाइम उठ गई। उठने के बाद में थोड़ा बहुत झाड़ू वगैरह का जो काम होता है वो किया, पानी लगाया, पानी भरा, उसके बाद में ये नीचे आई खाना वाना बनाने के लिए। तो फिर ये मेरे को कपड़े दिख गए जो कि रात को उतार के लेके आई थी। रात को मेरे से काम नहीं हो पाया क्योंकि शिवांश की तबीयत ऐसी ही चल रही है ना, तो बस खाना वाना बना के उसको पास सुला के सुलाया, जब जाके वो सोया। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ किचन में, नैनी जाएगी स्कूल, शिवांश तो नहीं जाएगा। तो यहाँ मैंने, शर्मा जी रात को टिंडे लेकर आए थे तो वो टिंडे ही धोए हैं, रात को धोकर नहीं रखे थे। और अब नैनी जो है ना उसके फेवरेट है टिंडे, तो मैंने सोचा चलो अभी बना देती हूँ। वैसे मैंने दही बना रखा है कम से कम 2 kg दूध का, क्योंकि मेरे बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं। शिवांश की तबीयत ख़राब हुई है ना तो उसका दूध भी बंद कर रखा है डॉक्टर ने, हल्दी डाल के देना पड़ता है, हल्दी का वो पीता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मतलब परेशान करता है, होता तो क्या है, उसका मन नहीं करता ना हल्दी वाला दूध पीने का, तो जिसके कारण से दूध बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो फिर मैंने 2 किलो दूध जो है ना उसका दही बना दिया था रात को, कि कल बच्चे खा लेंगे, नहीं तो फिर मैं छाछ बना के कढ़ी बना लूँगी, और फिर उससे क्या है ना कि सब्ज़ी का खर्चा तो कम से कम बचेगा। और इसी तरीके से थोड़ा बहुत सब्ज़ी वगैरह में भी मैं इस तरीके से जुगाड़ बिठा ही लेती हूँ, वैसे ज़्यादातर लेडीज़ बिठाती हैं। तो यहाँ पे मैंने टिंडे जो है ना वो छोंक दिए हैं, टमाटर जो अभी नहीं डाले थे जी, खाली टिंडे काट लिए, जीरा डाल दिया, और जीरा डाल के टिंडे काट दिए, मतलब टिंडे जो है ना वो डाल दिए। और अभी मैं टमाटर कट कर रही हूँ जो कि मैं अभी कुकर में मैंने डाले हैं, अब जाएगा इसमें मसाला। और ये टोकरी जो है ना सब्जी वाली, ये पूरी तरह ख़राब हो चुकी थी, मतलब धुलने लायक हो चुकी थी, इसमें सब्जी पिछले हफ्ते रखी थी, और अब मैं इसको धो करके दोबारा से सब्जी अरेंज करूँगी, कल संडे है लेकर आऊँगी। और मेरी तबीयत आज मैं वॉइस कर रही हूँ ना, जिस दिन आपके पास ये वीडियो आएगा उस दिन मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसलिए आप लोगों को वॉइस में भी लग रहा होगा। वीडियो भी काफ़ी लेट हो गया मेरा, मैंने सोचा था मैं पहले से एडिट कर लूँगी लेकिन किया नहीं, सुबह से तबीयत थोड़ी डाउन थी, काम वाम फिनिश किया फिर उसके बाद में ऐसा ही हो गया था। तो यहाँ पे आटा लगाया, आटा लगाने के बाद में, और ये देखिए मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है। तो जी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से नहा धो करके, दोपहर नहीं सुबह के 9:15 बजे हैं, नैनी गई अभी स्कूल और सिर पूरा दर्द कर रहा है, सारा काम ख़त्म हो गया, मैंने जल्दी जल्दी सब समेटा क्योंकि तबीयत आज साथ नहीं दे रही, लग रहा है फीवर भी है। और मेरा काफ़ी प्लान थे, ये अभी मेरे हुआ है, सुबह घंटे डेढ़ घंटे के बाद मैं सो के उठती ना, उसके घंटे डेढ़ घंटे के बाद ऐसे लगने लग गया था जैसे जुकाम सी होगी, फीवर हो गया, और अब तो एकदम हालत ख़राब हो गई। ये वायरल चल रहा है शायद, सबको ही आएगा धीरे 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 धीरे। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी कुछ कपड़े नीचे से, जैसे ये मैं सोच रही थी नैनी के लिए ना एक सलवार बना लूँ, जैसे पजामे के जैसे वो होती ना धोती वाली, धोती स्टाइल में, तो वो सलवार बनाने का मेरा प्लान था, लेकिन आज मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, ख़राब है, फिर भी मैं इसको काट लेती हूँ। तो मैं ये सलवार काटने जा रही हूँ, फिर इसकी स्टिचिंग करूँगी अगर होगी तो, ताकि नैनी आए जब उसको ये सरप्राइज मिल जाए वो बहुत खुश होती है सलवार वगैरह उसको मिलती है तो, ठीक है एकदम यार। और ये है ना इसके टॉन्सिल और रखे, ये ऑरेंज हाथ में लेके बैठा हुआ है, मैं कह रही हूँ खानी नहीं है, और ये कह रहा है खाऊंगा। नैनी के स्कूल में ले जाना था आज ऑरेंज, उस कारण से ऑरेंज घर में आई तो उसी से छुपा करके इसने रखी हुई है, और मैं इसको वैसे खाने नहीं दूंगी, हाथ में रखे रहो चाहे। शिवांश नहीं छील मत इसको, चम्मच मत मार इसके, नहीं देख लो मैं इसको समझाती हूँ एक बार। तो जी पहले मैं उसको दवाई दूंगी, नीचे से गर्म पानी लेके आती हूँ क्योंकि उसका पीना भी गर्म ही है, और क्या बोलते हैं उसको, दवाई भी गर्म से ही देनी है। तो जी मैं आप शिवांश को दवाई दे देती हूँ, खुद भी दवाई लूँगी, उसके बाद में हम इस वीडियो का एंड करते हैं। हम मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में,
बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।